हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। कैसे समझें कि हमारा पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो नहीं है। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि शादी के बहुत लंबे समय तक भी दूसरे पार्टनर को पता ही नहीं चलता कि मेरा पार्टनर जो है वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है और नौबत सेपरेशन या डाइवोर्स तक की आ जाती है। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण क्या रहते हैं और क्या लक्षण हैं, कैसे पहचानें ताकि वक्त रहते ही रिश्तों को सही किया जा सके। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बहुत ही गहराई में जाकर इस बात का पता करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो हैं वो क्या कारण रहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक कारण ये भी देखा गया है जब पेरेंट्स जो हैं ज़बरदस्ती जो हैं शादी कर देते हैं, और जब किसी इन्फ्लुएंस में आके जब शादी हो जाती है, पेरेंट्स की ज़बरदस्ती कोई और वजह रहती है, तो वो शादी भी इतनी अच्छी नहीं चलती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतभेद उस रिश्ते में रहते हैं। और ये भी एक कारण रहता है कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फिर चले जाते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो एज डिफरेंस, कभी कभी ये भी देखा गया है कि जिन शादियों में पार्टनर के बीच एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 10, 12, 13, 14 साल का गैप जहाँ पर है, वहाँ भी रिश्तों में बहुत सारी दिक्कतें देखी गई हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा एज डिफरेंस जब होता है रिश्तों में, तो वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहती है, या फिर बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जहाँ दूसरा पार्टनर जो है एज गैप ज़्यादा होने के वजह से समझ नहीं पाता है, या फिर जब सेक्सुअल जो नीड्स हैं वो दूसरा पार्टनर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है एज के हिसाब से, तो वो भी एक कारण रहता है कि उसका दूसरा पार्टनर जो है वो बाहर किसी और को अपने लिए ढूंढने लगता है। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी बात है कि जब बहुत ज़्यादा आपस में जब मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है रिश्ते में, आए दिन लड़ाई झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, एक दूसरे की वैल्यू ना करना, रिस्पेक्ट ना करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ना करना, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो लोग बदले की भावना से भी फिर बाहर अपने लिए पार्टनर ढूंढने लगते हैं कि अब मैं दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, तो इस तरह से भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। कुछ रिश्तों में ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ अगर पार्टनर जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है और दूसरा पार्टनर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये पति पत्नी कोई भी हो सकते हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है दूसरा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो वहाँ अक्सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। एक बहुत पढ़ा लिखा है दूसरा कम पढ़ा लिखा है, तो होता क्या है वहाँ अक्सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, विचारधारा नहीं मिलती, अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, और इस वजह से भी लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा पार्टनर जो है मुझे अच्छे से नहीं समझ रहा है, ये मेरी बातों को ही नहीं समझता, ये मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं करता, तो ये भी एक कारण रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने का। और इसके अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने की कोई भी एज नहीं होती, कभी कभी लोग जो 40 प्लस में है या 50 प्लस में वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी देखा गया है कि अक्सर लोग कभी कभी रिश्तों में बोर होने लग जाते हैं, इतने लंबे रिलेशन के बाद 20-25 साल शादी को हो जाते हैं तो उनको लगता है अब रिश्ते में है ही क्या, वो बोरित महसूस करने लगते हैं कि एक इंसान के साथ हम इतने सालों से रह रहे हैं, वही उसकी बातें सुनना, वही चीज़ें, वही सारा, मतलब वो बोर होने लगते हैं और वो फिर कुछ नया ढूंढने के लिए, नएपन के लिए बाहर जाने लगते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये भी एक कारण देखा गया है कि जहाँ रिश्तों में बोरियत आ जाती है तो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। और एक कारण जो ये भी देखा गया है कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होता, चाहे वो नीड, फाइनेंशियल नीड हो, कोई भी नीड हो सकती है, इमोशनल नीड हो, जब वो पूरी नहीं कर पाते हैं, या फिर जो सेक्सुअल नीड हैं वो अपने पार्टनर से पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बाहर किसी और को ढूंढने लगता है कि कोई तो मुझे समझे, कोई वक्त दे और मेरी नीड्स को पूरा करे। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कुछ एक कारण रहते हैं जो बहुत हेल्प करेंगे आपको इन चीज़ों को समझने में कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम या हमारा पार्टनर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जब वो हमें खुद में दिखते हैं या हमें अपने पार्टनर में दिखते हैं तो हम एकदम से अवेयर हो जाना है, सतर्क हो जाना है कि ये कुछ गलत चल रहा है। अगर
अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा समय जो है वो सोशल मीडिया पे बिताने लगे हैं, या आप खुद सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा रहने लग गए हैं, चैटिंग करना, अपनी बात किसी और से बात करना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, किसी और मीडिया पे ज़्यादा बने रहना, या फिर हिस्ट्री डिलीट कर देना, अकेले रहना पसंद करना, छुप छुप के फ़ोन सुनना, या फिर पासवर्ड चेंज कर देना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। या फिर आपके पार्टनर में एकदम से सडन चेंज आया है उनके बिहेवियर में, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ गया है, जितने अच्छे से वो पहले आपके साथ रहते थे अब वैसे नहीं रह रहे हैं, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए, गुस्सा चिड़चिड़ापन होने के तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जॉब प्रेशर हो सकता है या कोई और उनकी वजह हो सकती है, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर वो कोई भी वजह नहीं है और कोई वजह नहीं है लेकिन ये आपको लग रहा है कि सडन चेंज है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक लक्षण जो है वो हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो अगर वो अपने अपीयरेंस के प्रति बहुत कॉन्शियस होने लगे हैं, पहले वो इतने कॉन्शियस नहीं थे अपने बॉडी को लेके, अपनी फिटनेस को लेके, अब नई नई चीज़ें वो ट्राई करते हैं, अपनी बॉडी की बहुत केयर करते हैं, जो पहले इतना नहीं करते थे, तो भी फिर ये देखने वाली बात है कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अगर पहले आपका पार्टनर जो है इतना ज़्यादा टाइम बाहर नहीं बिताते थे, पार्टीज़ में दूसरे फ्रेंड्स के साथ नए नए दोस्त बनाने लग गए हैं, या बाहर रहना अब उनको ज़्यादा पसंद है, या घर से बोल के जाते हैं कि 2-3 दिन टूर पे जा रहा हूँ, कोई बिजनेस का काम है, तो आपको फिर ये यहाँ सतर्क होने की ज़रूरत है कि कहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चीज़ें तो नहीं जा रही हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, ये रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि इन रिश्तों की बुनियाद ज़्यादा लंबी नहीं होती। अगर आपके अपने रिश्ते में कोई दिक्कत है, या आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप जा रहे हैं, ये कारण आपके अंदर दिख रहे हैं या लक्षण दिख रहे हैं, तो वहीं आप रुक जाएं और उस रिश्ते पे वर्क करें जो आपका रिश्ता है। नई रिश्ते में जाके आपका कोई भी भविष्य नहीं है, क्योंकि आप कब तक रिश्तों को बदलते रहेंगे। आपको जो रिश्ता आपका अभी है उस रिश्ते पे वर्क करना है और उसी रिश्ते को स्ट्रांग करना है। रिश्तों के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को सुने, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे कि कैसे रिश्तों को बेहतरीन बनाया जा सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, लव और अट्रैक्शन क्या है, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो बना हुआ है। बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो मैंने रिश्तों के ऊपर बना कर रखे हैं, वो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो इस चीज़ को समझें कि हमारे रिश्ते हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका पति पत्नी का रिश्ता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पति पत्नी के रिश्ते में ही एक दूसरे को सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। अगर पत्नी अपने लाइफ पार्टनर को, पति को छोड़कर कहीं और जाती है, तो उसकी भी कभी रिस्पेक्ट नहीं होती, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत मान दूसरा इंसान उसे कभी दे ही नहीं सकता। और पति भी अगर अपनी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरी औरत के पास जाता है, तो वहाँ उसको वो प्यार, वो जो रिस्पेक्ट अपनी पत्नी से मिलती है, वो चीज़ उसको वहाँ कभी नहीं मिलेगी। सो इस बात को आप समझिए कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं फंसना है, क्योंकि इस रिश्ते का कोई वजूद है ही नहीं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर जरूर भेजें, और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू।